बड़े शहरों की तर्ज पर अब आगरा वासियों के खुद की मेट्रो का सपना जल्द साकार होने वाला है। मेट्रो के पहले कॉरिडोर यानी कि ताजमहल पूर्वी गेट के स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस मेट्रो स्टेशन पर पटरियां बिछा दी गई हैं, सिग्नल का भी काम पूरा हो चुका है। वहीं पहली झलक देखने में मेट्रो बेहद खूबसूरत लग रही है। कहा जा सकता है कि जल्दी इस स्टेशन पर मेट्रो का संचालन ट्रायल के तौर पर किया जाएगा। आगरा मेट्रो का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मेट्रो चलने से शहर में पॉल्यूशन से निजात, जाम से मुक्ति और पर्यटन इंडस्ट्रीज को काफ़ी बूम मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में आगरा मेट्रो का शिलान्यास किया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी तरीके से 2024 तक आगरा शहर में मेट्रो चलाई जा सकती है। आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट। के दिसंबर तक ये स्टार्ट हो जाएगा एक सेक्शन, और इससे क्या है कि एक पॉल्यूशन जो है आगरा के अंदर जो इतना होता है वो कम होगा। दूसरा, जो पर्यटक आते हैं उनको व्यू ऑफ ताज और फोर्ट मिलेगा देखने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हुए, तो ये पर्यटकों के लिए एक स्पेशल अनुभूति होगी आगरा के अंदर। और दूसरा, ये ताम झाम जो रोज जाम लग जाता है इधर उधर, उससे छुटकारा मिलेगा। देखिए, एक सराहनीय कदम है पर्यटन उद्योग के लिए भी, और इससे जब बट नेचुरल ये है कि जब मुसाफिरों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा इधर से उधर, और ये वो इससे ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे, और एक इससे टूरिज्म को बट नेचुरल थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। आगरा के समस्त शहरवासियों को मेट्रो के शीघ्र संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जो आगरा के शान केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी ने आज यहाँ आकर कार्यों का निरीक्षण किया, और बहुत शीघ्र ये मेट्रो का कार्य मेट्रो शुरू होने वाली है। ये पर्यटन इंडस्ट्री के आज सभी लोग यहाँ आए, और मैं आपको विश्वास दिला जाता हूँ कि पर्यटन को बहुत फायदा हुआ मेट्रो। आज हमारा आगरा ये बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आगरा भी मेट्रो के संचालन से गुजरा, और बहुत शीघ्र बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं माननीय SP सिंह बघेल जी को। ऐसे ही आगरा के विकास के लिए वो कार्य करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।